नमस्कार, मारी पाकशाला में आपका स्वागत है। आज मैं बना रही हूँ एक बहुत ही टेस्टी मिठाई जो बहुत ही कम सामान में बन जाएगी और इसे बनाने में ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इस मिठाई को बनाने के लिए मैं एक बोल नारियल का बूरा ले रही हूँ। आप इसकी जगह डेसिकेटेड नारियल भी ले सकते हैं। जितना नारियल बूरा लिया है उतना ही मिल्क पाउडर लिया है। चौथाई बॉल मैंने शुगर पाउडर लिया है। दो बड़े चम्मच दूध डाल देंगे। दूध ठंडा या गर्म ले सकते हैं। अब इन्हें लो फ्लेम पर 3 से 4 मिनट तक पका लेंगे। अब इसमें 1 चम्मच इलायची पाउडर, थोड़े से कटे पिस्ता डाल देंगे और मिक्स कर लेते हैं। मिक्सचर गाढ़ा हो गया है, गैस ऑफ कर देते हैं। एक प्लेट में नारियल बूरा डाल देते हैं और इस मिक्सचर को डाल देते हैं। अब इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। ये बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है। अब इसे 2 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। एक भाग को लेकर इसे रोल कर लेते हैं। इसी तरह दूसरे भाग को भी रोल कर लेते हैं। अब इसे आधा घंटा फ्रिज में रख देते हैं। मैंने इसे 15 मिनट में ही फ्रिज से निकाल लिया है। अब इसके पीसेज कट कर लेते हैं। आप इन्हें कोई भी शेप दे सकते हैं। मैं इन्हें सेमी सर्कल शेप में कट कर रही हूँ। ऊपर से पिस्ता लगा देते हैं। हमारी नई मिठाई बनकर तैयार हो गई है। इस तरह आप भी इस मिठाई को ट्राई कीजिए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। यदि मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।